ये मेरे अम्मी की रेसिपी है। चलो टमाटर और इमली में क्या बनता है देखते हैं। टमाटर और इमली को पहले पीस लेंगे, देन एक पैन में लेंगे राई, मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी ज़ीरा। इन सबको रोस्ट करने के बाद ठंडा करके पीस लेंगे। जब ये सारे मसाले अच्छे से पीस जाएं तो इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन की कलियां और इसे दरदरा पीस लेंगे। एक कढ़ाई में ले लेंगे तेल, उसमें ऐड कर लेंगे राई, करी पत्ता और जो मसाला हमने पीस के रखा था उसे ऐड करके अच्छे से पका लेंगे जब तक तेल रिलीज नहीं हो जाता। जब सारे मसाले अच्छे से पक जाएं तो इसमें थोड़ी हल्दी, चिली पाउडर और थोड़ा सॉल्ट ऐड करके फिर से थोड़ी देर पका लेंगे और जो टमाटर और इमली का प्यूरे बना के रखा था उसे ऐड कर लेंगे। देन इसे पकाते रहेंगे जब तक ये इस कंसिस्टेंसी में ना जाए। सिंपल सी रेसिपी है, थोड़े पेशेंस लगेंगे बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वर्थ द पेशेंस। यू कैन हैव दिस विद बिरयानी, प्लेन राइस या रोटीज, जस्ट लाइक एन अचार। 15 to 20 days आराम से चल जाएगा, इसे फ्रिज में रखना, नो प्रिजर्वेटिव एडेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।